And as you all know, the 2020 has been a roller coaster for all of us. But we have learned a lot of things. For me, at home, I have tried a lot of things. And one of them is baking. So, as you all know, I love to eat sweets. I love sweets. But what happened that in 2020, we couldn't ask anything from outside, we couldn't go outside. So, I thought that why not try baking? And that's exactly what I'm going to do today. आज मैं 2020 की जो एक याद है उसे वापस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ by baking a cake with us, leaving all the negativity behind and welcoming 2021 with a nice chocolate cake. So let's get started. Remember, केक बनाने के साथ साथ आपका बहुत अच्छा वर्कआउट भी होता है, so don't feel guilty while eating the cake. इसे कहते हैं मेहनत का फल. मेहनत का फल मीठा होता है, right? एक मिनट जल गई मैं. So I'm gonna show you guys कि केक बनाने के लिए किन-किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. Just a basic one. So that's milk, oil, butter, दो अंडे. ये है बेकिंग पाउडर, ये है बेकिंग सोडा, बादाम फॉर गार्निशिंग, उस पर हम बाद में आते हैं. वी नीड शुगर, क्रश्ड शुगर, मैदा, कोको पाउडर, नमक, वनीला एसेंस एंड कुछ और चीज़ें जो मैं आपको प्रोसेस के दौरान बताती रहूँगी. सो ऑल्सो केक बनाने के दो तरीके होते हैं जो मैं बनाती हूँ. वन इज़ विथ ओरियो बिस्किट्स एंड अगर आप ओरियो बिस्किट्स नहीं यूज़ कर रहे हो तो कोको पाउडर. तो आज मैं कोको पाउडर के साथ बनाने वाली हूँ. ऑल्सो केक दो चीज़ों में बनता है, एक अवन में और एक प्रेशर कुकर में. और आज मैं अवन में बनाने वाली हूँ, बट अदरवाइज प्रेशर कुकर इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो एक और टिप दैट आई वांट टू गिव यू कि जो केक बनता है उसके लिए आपको बहुत सारे बर्तन लेने पड़ेंगे. तो एक बर्तन में हम वेट मिक्सचर तैयार करेंगे, एक बर्तन में हम ड्राई मिक्सचर तैयार करेंगे और फिर हम दोनों को मिक्स करके उसको अच्छी तरह से मिलाकर फिर हम उसे अपने फाइनल उसमें डालेंगे जिसमें वो केक बेक करेंगे. बिकॉज ये वो प्रॉपर एल्युमिनियम का बर्तन है जिसे हम ओवन में डालते हैं. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हमने ये ले लिया है बर्तन जिसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने वाले हैं, द ड्राई इंग्रेडिएंट्स. और ये एक छलनी ली है मैंने, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब आप ये शुगर या मैदा डालते हो तो उसमें छोटे छोटे वो हो जाते हैं, लाइक बॉल्स बन जाते हैं. तो वो बॉल्स अच्छी तरह अंदर मिक्स हो, इससे अच्छा वो इसमें जाली में ही रह जाते हैं, देन वी कैन मिक्स और आर मिक्सचर इज़ वेरी स्मूथ. सो सबसे पहले हम ले रहे हैं, दिस इज़ एक कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, एक कप मैदा. इसमें जो वो वेस्ट बॉल्स होंगे वो हमारे केक के टेक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. एंड एज यू कैन सी हमारा टेक्सचर बहुत स्मूथ है और जो रफ है वो हमें इसमें ही रह गया है. इसमें हम मिक्स करेंगे हाफ कप कोको पाउडर. आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वो बॉल्स गैदर हो रहे हैं और नीचे जो जा रहा है वो एकदम स्मूथ टेक्सचर है इसका. सी यू कैन सी इट, ये सब यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है और नीचे इट्स वेरी स्मूथ. नेक्स्ट ये है 1.5 teaspoon बेकिंग पाउडर. रिमेंबर 1.5 spoon बेकिंग पाउडर एंड दिस इज 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा. अब हम लेंगे चुटकी भर नमक. चुटकी भर नमक एंड really very important, एक कप शक्कर. अगेन ये शक्कर पिसी हुई है बट इसमें अगेन वो बॉल्स हैं, सो वी आर गोना पुट द शक्कर हियर. हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं. नाउ यू हैव टू सी व्हेन आई मिक्स इट इसका कलर कैसे चेंज होता है.
So it's all white right now. We have a layer of cocoa powder and सबसे नीचे जो layer है वो मैदे का है. So let me show you. Mix it well. Smells so chocolatey already because of the cocoa powder. So guys, our dry mixture is ready now. Now let's move ahead and prepare our wet ingredients wala pura samaan. Okay. So before we mix the wet ingredients together, hume apna oven 180 degrees par 10 minutes ke liye preheat karna hai. So we'll put that for preheat and then proceed. Maine ise preheat pe rakh diya 180 degrees for 10 minutes. And now let's proceed. So aap eggs use kar sakte hain, nahi kar sakte hain. It's totally up to you. It's optional. But we are going to make it with eggs. Oh my god, this is a scary part. But I hope. Not bad. Remember, we have to mix it really well. Jab tak sare ingredients. But I've put two eggs. You can see it. Can you? इसे अच्छे से फेंटना बहुत ज़्यादा important है. That's around half cup of oil. So we are going to use 1.5 teaspoon of vanilla essence. So इसमें हमने क्या क्या डाला है? Eggs, vanilla essence and oil. These are the three wet ingredients जो हमने साथ में मिलाया है. अब after mixing it really well, I'm going to add the dry ingredients in it. थोड़ा थोड़ा करके add करूँगी so that. Now I'm going to add some milk. वो हम जैसे जैसे उसका बैटर का थिकनेस देखेंगे वो हमें अंदाजे से उस हिसाब से हम जैसे अभी मैंने हाफ ही बैटर डाला इसमें. एंड रिमेम्बर केक बनाने के साथ साथ आपका बहुत अच्छा वर्कआउट भी होता है. सो डोंट फील गिल्टी व्हाइल ईटिंग द केक. मेरा वर्कआउट हो गया बिकॉज मेरे हाथ दर्द हो गए एंड आई एम रियली टायर्ड. ओ गॉड दिस इज वैसे वेरी ईजी बट दिस मिक्सिंग पार्ट इज रियली टायरिंग. But my batter looks amazing, guys. It looks so good. Have a look at it. So chocolatey, so smooth. Wow. इसे कहते हैं मेहनत का फल. मेहनत का फल मीठा होता है, right? This is exactly that. Okay, so I think this is ready. अब हम इसे final plating करेंगे. So मैं अपने बर्तन को अच्छी तरह ग्रीस कर रही हूँ. I'm applying oil. तो अब हम अपना बैटर इसमें पोर करने वाले हैं. ऑफकोर्स ऊपर तक ना भरिए बिकॉज देन वो केक जब बेक हो जाएगा तो फिर वो बर्तन के बाहर निकलने लगेगा एंड वी डोंट वांट दैट. सो लेट्स जस्ट पोर आवर बैटर. हमने जितना बैटर रेडी किया है ओके वी आर गोइंग टू डू दिस ताकि उसके जो बबल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं. जस्ट फॉर द गार्निश आई एम गोइंग टू यूज सम आलमंड्स बादाम. I'm not very fond of raisins, but I like almonds. So now we are going to put this in our oven, which is preheated. और अब हम इसे around 20 minutes के लिए bake होने देंगे. We'll check it in between. वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे. But फिलहाल we have around 20 minutes. So let's wait for it. So our cake is ready. अभी हम अगर ये डालेंगे so you can see ये it's clean. That means हमारा केक अंदर से रेडी है. Now this is very very important guys. Before you take the cake outside, you have to let it cool down completely. मतलब completely. अगर आपने cool down नहीं किया और अगर वो गर्म है तो आपका केक टूट जाएगा. So we'll let it cool down for another 10 minutes and then we'll remove it from this. हो चुका है. अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है. आई होप आ केक डजंट ब्रेक. सॉरी अगेन. अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है. आई होप आ केक डजंट ब्रेक. यस सो आवर केक इज रेडी गाइस. यस द केक इज रेडी 2021. So good. मैंने 2020 में 10
से ज्यादा केक बेक किया फॉर श्योर, बिकॉज आपका जब कोई नई चीज सीखते हो ना तो एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है दैट यू वांट टू मेक मोर एंड मोर एंड टिल द टाइम यू आर नॉट परफेक्ट एट इट आई थिंक यू शुड डू इट. सो आई थिंक आई हैव बेक्ड मोर देन 10 केक्स. मेरे लिए इंस्पिरेशन ये था कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सब कुछ बंद था एंड मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही ये सब शुरू कर दिया जाए एंड दैट वॉज माई मोटिव ऑफ बेकिंग द केक. फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट of course all time favorite and otherwise fruit cakes. I really like fruit cakes. मेरा पहला केक बहुत अच्छा बना था एंड उसके बाद वाला केक ओके बना था बट उसके बाद वाले सारे केक बहुत अच्छे बने थे. या देयर आर टाइम्स जब मेरा केक बीच से फट जाता था बिकॉज ऑफ यू नो आलमंड्स या साइड से टूट जाता था क्योंकि मैं उसको जल्दी यू नो लाइक आई सेड कि अगर आपको वेट नहीं हो पाता एंड यू नो केक बनते ही आप उसे निकालने की कोशिश करते हो केक टूट जाता है. सो या केक टूटे हैं मेरे एंड कभी कुछ कम ज्यादा भी हुआ है बट आई थिंक नाउ आई एम अप्रोवेटेड. ऑफकोर्स मैं कंटिन्यू रखूंगी. आई एम गोना बेक, इनफैक्ट आई एम गोना ट्राई एंड बेक डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ केक बिकॉज अब तक मुझे सिर्फ चॉकलेट एंड वनीला केक बेक करना आता है. आई एम गोना ट्राई बेकिंग फ्रूट केक्स एंड यू नो आई एम गोना ट्राई मेकिंग द ड्रेसिंग व्हिप क्रीम के साथ. वाई नॉट यू नो ट्राई डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. मैं एक्चुअली रेजोल्यूशंस नहीं रखती हूँ बिकॉज आई नो कि वो टूट जाते हैं कहीं ना कहीं. सो आई डोंट ट्राई एंड मेक रेजोल्यूशंस बट आई रियली वॉन्ट टू बिकॉज इन लॉकडाउन लाइफ स्टाइल पहले हेल्दी थी उसके बाद ओवर बिगड़ गई बिकॉज यू नो आफ्टर अ पॉइंट यू फेल्ट लाइक अरे फिर लेट नाइट्स हो गए ना. सो आई वॉन्ट टू हैव अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल इन 2021. दैट्स वॉट आई एम होपिंग फॉर. लेट्स सी वो कितना इफ यू कॉल इट एज अ रेजोल्यूशन देन से इट बट I really want to have a healthy lifestyle, healthier lifestyle. So yeah, let's just hope for the best. Wishing all the viewers of India Forums a very, very, very happy New Year. And आप लोग खा नहीं सकते हैं, आपकी तरफ से मैं खा रही हूँ. Have a wonderful New Year and have a great, great year ahead. Take care of your family. Be safe. Social distance maintain रखिए जब तक COVID की vaccine नहीं आ जाती है. Because yeah, there's a lot of things to go through, you know, during COVID. So, be safe and Happy New Year! Bake this cake and let me know how did it turn out. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.